दोस्तों, आज का वीडियो है औषधीय गुणों से भरपूर फल आड़ू के बारे में। आड़ू जिसे इंग्लिश में पिच भी कहते हैं। आड़ू अपने खास मिठास के लिए जितना प्रसिद्ध है, उतना ही अपने औषधीय गुण से विख्यात। यह फल सेहत के लिए काफ़ी ही फायदेमंद माना जाता है। आड़ू प्रोटीन, मिनरल्स, फाइबर्स और कार्बोहाइड्रेट जैसे पौष्टिक तत्वों से भरपूर यह फल स्वास्थ्य लाभ में काफ़ी अच्छा होता है। इस फल को आप केवल स्वाद के लिए लेते होंगे, लेकिन अगर इसके फायदों की बात करें तो यह दांत, हड्डियों, आँखों, त्वचा और तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ और मजबूत बनाने में काम आता है। यहाँ तक कि यह किडनी रोग में भी बहुत ही फायदा पहुँचाता है। पाचन क्रिया सही नहीं हो तो इस फल का सेवन करें। आइए जानते हैं ऐसे बहुमूल्य गुणों से भरपूर फल के स्वास्थ्य लाभ। आड़ू मुख्य रूप से पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है भारत में। इसके बीज से निकलने वाला तेल हमारे स्किन के हर प्रकार के रोगों के लिए फायदेमंद माना जाता है। चलिए बात करते हैं इसके फ़ायदों के बारे में। तो अगर आप मोटापे से ग्रस्त हैं, अगर आप वज़न कंट्रोल करना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं, तो आप आड़ू खा सकते हैं। जी हाँ, अगर आप अपने वज़न से परेशान हैं तो आड़ू का सेवन करें। इस फल में कम कैलोरी पाई जाती है, जो बढ़ते वज़न को नियंत्रित करने में सहायक होता है। अगर आप इसे नाश्ते में खाएं तो आपको दिन के भोजन करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप भोजन नहीं करेंगे तो वज़न ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, यानी कि आप इसे खा के भी अपने पेट भर सकते हैं। आड़ू के लाभ से आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है, यानी अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है, आपको हर छोटी छोटी बात पर सर्दी खांसी बुखार हो जाती है, तो आप इस फल का सेवन ज़रूर करें। आड़ू में विटामिन सी भरपूर होता है, जो हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। यह शरीर से हानिकारक बीमारियों को दूर करने में मदद करता है। साथ ही यह रोग प्रतिरोधक प्रणाली को स्वस्थ को निरोगी करने में मदद करता है, क्योंकि यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। आड़ू खाने से आँखों की समस्या को करे दूर। विटामिन ए की उपस्थिति में यह फल आँख की रेटिना को स्वस्थ बनाने में मदद करता है। आड़ू में बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जो शरीर में विटामिन ए को बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। यह हमारे आँखों को स्वस्थ और उनकी देखभाल की शक्ति को बढ़ाता है। अगर आपको कम दिखने की समस्या हो, कम दिखाई, रोशनी कमज़ोर हो, तो आप आड़ू का सेवन ज़रूर करें। किडनी के लिए, आजकल के समय में सबसे ज़्यादा किडनी से संबंधित परेशानियाँ हो रही हैं। अगर आप भी समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको आड़ू का सेवन करना चाहिए। इस फल में पाए जाने वाला पोटेशियम आपके किडनी के लिए फ़ायदेमंद है। यह आपके यूरिनरी ब्लैडर के लिए एलेंजिंग एजेंट की तरह काम करता है। यह उसे स्वस्थ एंड साफ बनाए रखने में मदद करता है। अगर आपकी पाचन शक्ति कमज़ोर है, कुछ पचता नहीं है, आपको कब्ज की बीमारियां अक्सर रहती है, तो आप आड़ू का सेवन ज़रूर करें। यह आपको पाचन शक्ति को मजबूत करने में बहुत ही लाभप्रद फल है। अगर आपको पेट से संबंधित समस्याएं जैसे पेट में दर्द, कब्ज, गैस, बवासीर है, तो आप नियमित रूप से आड़ू का सेवन करें। यह पेट और लीवर से जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। इसका रस बच्चों में होने वाले जॉइंडिस रोग में भी लाभ पहुंचाता है। इसके ताज़ी पत्तियों के रस से पेट के कीड़े मर जाते हैं, यानी ये आपके पेट से संबंधित अनेकों बीमारी में फ़ायदा पहुँचाता है। स्किन रोग के लिए, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर यह फल हमारी त्वचा के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसका सेवन करने से आप अपने आप को हमेशा जवान देखेंगे, यानी कि यह एंटी एजिंग की तरह भी काम करता है। यह चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आने देता है। साथ ही अगर इसके फेस पैक को आप अपने चेहरे पर लगाएंगे तो आपका चेहरा कोमल और चमकदार होता है। साथ ही साथ दोस्तों, स्किन से जुड़ी अन्य प्रॉब्लम जैसे त्वचा में खुजली, दाग, धब्बे आदि को भी दूर करने में आड़ू के फल बहुत ही लाभकारी है, तो आप इसका सेवन ज़रूर करें। अगर आप एनीमिया या शरीर में खून की कमी से ग्रस्त है, तो अगर आप अपने शरीर में खून की हो रही कमी से परेशान हैं, तो आप नियमित रूप से आड़ू का सेवन करें। आड़ू आयरन का अच्छा स्रोत है। यह एनीमिया यानी खून की कमी को ख़त्म करता है, साथ ही शरीर में रेड ब्लड सेल्स की मात्रा को बढ़ाता भी है। हड्डियों और दांतों के लिए, हड्डी और दांतों को करें मजबूत। विटामिन सी और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर यह फल हमारे शरीर की हड्डियों और दांतों को मजबूती देने में सहायक होता है।
इसका नियमित सेवन करने से महिलाओं को 80वीं पोपोरिसिस नामक रोग से बचाव मिलता है। यह गठिया रोग को दूर करने में भी सहायक होता है। यानी आप किसी भी प्रकार के शरीर में दर्द से परेशान हैं, हड्डियाँ आपकी कमज़ोर हो रही है, चाहे वो उम्र का ही प्रभाव क्यों ना हो, आप आड़ू का सेवन करें, आपको लाभ जरूर मिलेगा। गर्भावस्था में फ़ायदेमंद है आड़ू। गर्भावस्था में विटामिन सी बच्चे की हड्डियों, दांतों, त्वचा, मांसपेशियों और रक्तवाहिकाओं में संयोजी ऊतक के रूप में मदद करने के लिए आवश्यक होता है। इसके उच्च फाइबर वाले गुण शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने, पाचन में सहायता और आंतों को साफ करने में मदद करता है। यानी कि पेट में पल रहे शिशु के लिए भी यह फायदेमंद है, साथ ही साथ माता के लिए तो है ही। यह बच्चों के विकास में बहुत ही सहायक है। आड़ू का सेवन हृदय को स्वस्थ बनाए। आड़ू में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट हृदय को नुकसान पहुंचाने वाले मुक्त कणों को दूर करने में मदद करता है। ये मुक्त कण शरीर के भीतर श्रृंखलीय प्रतिक्रिया शुरू करते हैं और कोशिकाओं को नुकसान कर सकते हैं। यही है जो खून के जमने के कारण होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण या खून को साफ करने में भी मदद करता है तथा खून को सुचारू रूप से चलाने में भी बहुत ही फायदेमंद है। आड़ू में जीवसेक्री यौगिक होते हैं जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम से लड़ने में मदद करते हैं, जो सूजन, मोटापा और हृदय की समस्याओं का कारण बनते हैं। यानी कि आप हार्ट के किसी भी प्रॉब्लम से भी ग्रस्त हैं या नहीं होना चाहते हैं तो आप आड़ू का सेवन जरूर करें। अगर आप ग्रस्त हैं तो ये आपको ठीक कर देगा, और अगर आप नहीं हैं तो ये आपको कभी बीमार होने ही नहीं देगा। यह कोलेस्ट्रॉल कम करता है। एक रिसर्च में पाया गया है कि आड़ू में मौजूद फिनोलिक कंपाउंड LDL नामक खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी HDL को बढ़ाता है। इससे हृदय संबंधी बीमारी विकसित नहीं होती है और यह कार्डियोवैस्कुलर को स्वस्थ रखने में भी सहायक होता है। आड़ू के लाभ डायबिटीज में। पीच यानी आड़ू में कार्बोहाइड्रेट होता है जिसे खाने से डायबिटीज की समस्या नहीं होती है। एक मध्यम आकार के आड़ू में करीब 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलता है जो डायबिटीज रोगियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके अलावा आड़ू में और भी लाभदायक पोषक तत्व होते हैं जो कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। आड़ू कैंसर में भी है बहुत ही फायदेमंद। आड़ू में कैरोटीनॉइड और फिनोलिक कंपाउंड होता है जो कैंसर रोडी का काम करता है, यानी एंटी कैंसर का काम करते हैं, और ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, कोलोन कैंसर से हमें बचाता है। इसमें क्लोरोजेनिक और नियोक्लोरोजेनिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो ब्रेस्ट कैंसर उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं को सामान्य बनाता है। इसके इन्हीं गुणों के कारण कैंसर रोगियों को आड़ू का सेवन करने के लिए कहा जाता है। दिमाग के फायदेमंद के लिए आड़ू। स्टडी में पाया गया है कि आड़ू सेंट्रल कोलिजेनिक सिस्टम को प्रभावी बनाने में लाभप्रद है। कोलिनर्जिक सिस्टम दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम होता है जो कि याददाश्त से जुड़ा होता है। आड़ू में पाए जाने वाला यौगिक अल्जाइमर जैसी दिमाग की बीमारियों को दूर करते हैं और आड़ू का उपयोग याददाश्त को दुरुस्त बनाता है। अब बात करते हैं इसके नुकसान के बारे में। जी हाँ, जैसे हर चीज़ फ़ायदा पहुँचाती है उसे उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जो अधिक मात्रा में सेवन करने से उत्पन्न होते हैं। तो अगर बात करें साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ पीच, आड़ू के क्या नुकसान हैं, तो आड़ू में सैलिसिलेट्स होता है जो एलर्जिक रिएक्शन उत्पन्न कर सकता है। अधिक मात्रा में आड़ू खाने से पॉइजनिंग की भी समस्या हो सकती है, यानी कि फूड पॉइजनिंग जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, या अंदर ही अंदर कोई रिएक्शन करके, खास करके ये आपका सोलाराइट्स नामक बीमारी को जन्म देता है। आड़ू के अधिक सेवन से पेट में दर्द, सांस लेने में समस्या, दस्त, चक्कर आना, मतली आदि हो सकती है। आड़ू पुरुषों में कोलोरेक्टल कैंसर का कारण हो सकते हैं, इसलिए आड़ू के सेवन से पहले यह ध्यान रखें, यानी इसका अत्यधिक सेवन आप बिल्कुल ना करें। आड़ू एलर्जी के लक्षण लोगों के बीच अलग अलग होते हैं, लेकिन इनमें मुंह, जीभ या होठों में लाली या सूजन शामिल हो सकते हैं। और अंत में दोस्तों, आड़ू भले ही बहुत तरह का के कैंसर से हमें बचाता हो, पर एक स्टडी में पता चला है कि नारंगी या पीले फल रंग के फल यानी पुरुषों में कोलोरेक्टल कैंसर को बढ़ाते हैं। इसलिए आड़ू का सेवन करने से पहले यह ध्यान रखें, क्योंकि आड़ू का कलर भी पीले कलर में आता है।
साथ ही आड़ू छोटी आंत में शर्करा का किण्वन यानी कि अवशोषण नहीं कर पाता सही तरीके से, जिसकी वजह से गैस की समस्या हो जाती है और इसकी वजह से सूजन भी हो सकती है आंतों में। तो आड़ू खाएं पर इसका ध्यान रखें कि यह अत्यधिक मात्रा में आप ना खाएं कि यह आपको फायदे के बजाय नुकसान पहुँचाए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलूँगा नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुभकामनाएँ, खुश रहें, स्वस्थ रहें।